यो 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 व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। हेलो 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 हेलो। तो गाइस आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मेरे को एक्चुअली बहुत लोगों ने पूछा कि आप इतने कम सेटिंग्स, मतलब इतने कम स्पेक्स में भी आपका गेम बिल्कुल लैग नहीं करता है एंड एवरीथिंग। तो बहुत लोगों ने मेरे को पूछा कि आप एक लैग फिक्स वीडियो बनाएं, और जो कि मैं बहुत टाइम पहले से बनाना चाह रहा था, बट अभी करेंट मैं एक्चुअली फुल प्रूफ सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। अभी 3-4 PCs में मैं ये सॉल्यूशन दे चुका हूँ और सबका रिजल्ट पॉजिटिव है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना PC स्पेक्स दिखा दूँ, उसके लिए मैं लिखूँगा DXTIAG। और एक और चीज़ गाइस, ये वीडियो लेंदी होगा बिकॉज़ इसमें मैं आपको सिर्फ पबजी मोबाइल का ही फिक्स नहीं, आपके जितने भी स्ट्रीमिंग एंड यू नो गेमिंग परफॉर्मेंस सब कुछ इम्प्रूव होगा इससे, आपके इन गेम FPS एंड ग्राफिक्स और ये सब। तो देखते रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉलो करना प्लीज़। उसमें मैं बीच में बताऊंगा भी कौन सा स्टेप डेस्कटॉप यूज़र्स के लिए है और कौन सा स्टेप लैपटॉप यूज़र्स के लिए है। तो स्पेक्स दिखा देता हूँ मैं आपको, आई होप मेरा माइक ऑन है। ओके, वैसे मेरा दूसरा टेक है, इससे पहले लाइव स्ट्रीम हो गया था। ओके, तो मेरे पास 8 GB रैम है, और डायरेक्टेक्स तो छोड़ो, i7 4th Gen प्रोसेसर है, 3.4 इसका नॉर्मल है, टर्बो में अराउंड 4.1 चले जाता है जो कि मैंने ओवरक्लॉक करा था। आठ इसमें 4 CPU हैं और 4 थ्रेड्स हैं, तो टोटल ऑफ 8 CPUs। और Z97 गेमिंग मदरबोर्ड है मेरी, और या बेसिकली और डिस्प्ले ड्राइवर मेरा GTX 660 है, तो मतलब काफ़ी पुराना वो है PC है, अराउंड इसको 8 7 8 साल हो गए होंगे, और मैंने कुछ ज़्यादा चेंजेस करे नहीं है उसके बाद। एक ही बार मेरा प्रोसेसर ख़राब हुआ था, बस वो भी वही रिप्लेस करा है, तो दैट्स इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल, और अगर पसंद आए सब कुछ, अगर रिजल्ट आपको इसके बाद, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें भाई को, सपोर्ट करो यार, और लाइक करो, कमेंट में बताओ, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो भाई का। चलो ओके, फर्स्ट स्टेप के लिए आपको विंडोज़ प्लस R की दबानी है, रन कमांड चलाना है बेसिकली, एंड इसमें लिखना है services.msc। ओके, ये टाइम लेगा थोड़ा। ओके, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है सिस मेन। ओके, ये सिस मेन सर्च करना है, ये एक्चुअली अगर आपका सिस्टम, और मेक श्योर करना कि ये वीडियो देखने से पहले आप अपना सिस्टम और अपना ग्राफिक कार्ड दोनों अपडेट कर लें प्लीज़, क्योंकि अगर अपडेट नहीं रहेगा तो वैसे आपको रेगुलर अपने ड्राइवर एंड एवरीथिंग अपडेट रहना चाहिए। तो एक बार आप चेक मेक श्योर करिएगा कि विंडोज़ 10 और आपका ये ग्राफिक कार्ड दोनों अपडेटेड हैं, ठीक है। तो सर्विसेज में आपको सिस मेन सर्च करना है, इसको राइट क्लिक में जाके प्रॉपर्टीज़ में जाना है, आपका ऐसा नहीं दिखा रहा होगा वैसे, आपको इस सर्विस को स्टॉप करना है और डिसेबल करके अप्लाई के कर देना है, ठीक है। सेकंड इसमें सर्च करना है आपको विंडोज़ सर्च, एक सेकंड नेम सेव कर दो, विंडोज़ सर्च, ये इसमें राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, सर्विस स्टेटस को स्टॉप करना है, स्टार्टअप टाइप में डिसेबल सिलेक्ट करके अप्लाई, ओके, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत प्रोसेसर लोड लेती हैं, तो या और सिस मेन जो था इससे पहले वाला वो एक बेसिकली सुपर पैच है जो कि अब रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। और इसमें एक्सबॉक्स की जितने भी, यहाँ पर सबसे एंड में जाना और एक्सबॉक्स की ये चार जितनी भी हैं, जितनी भी एक्सबॉक्स की आपको रनिंग वो दिख रही है सबको डिसेबल कर देना अगर आप एक्सबॉक्स यूज़ नहीं करते हैं अपने विंडोज़ में। और एक और चीज़ करनी है आपको इसमें, एच में जाना है, Hyper-V, ये Hyper-V की जितनी भी वो हैं इनको डिसेबल कर देना है, स्टॉप करके अगर रनिंग है तो डिसेबल कर देना। तो ये चार चीज़ें आपको करनी है, सिस मेन, दूसरा था विंडोज़ सर्च, तीसरा था एक्सबॉक्स की सारी एप्लीकेशंस, सारी सर्विसेज सॉरी, और चौथा था ये Hyper-V की जितनी भी वो हैं सबको स्टॉप करके डिसेबल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको काम हो जाता है पूरा, इसको बाहर आ जाइए। दूसरे में आपको जाना है
MS config, ठीक है, ये बेसिकली ओके मैं बता देता हूँ, इसमें जाना है आपको बूट में, टाइम आउट में आपका शायद 30 दिखा रहा होगा, अगर 3 दिखा रहा तो सही है, टाइम आउट 3 सेकंड्स कर दीजिए उसको 30 से। ये बूट स्टार्टअप बूट जो है उसको मोर ऑप्टिमाइज, और यू नो स्टार्टअप में जितनी एप्लीकेशंस होती हैं उसके लिए मैं स्टेप बता रहा हूँ, तो मेक श्योर टू फॉलो केयरफुली, कोई भी चीज़ अपने मन से मत करिएगा प्लीज़, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा और उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा फिर। ओके, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स इसमें टिक करना है, अपने मैक्स नंबर ऑफ प्रोसेसर्स सेलेक्ट कर देना है, बस सिंपल एज दैट। ओके, अप्लाई, ठीक है, एडवांस ऑप्शन निकलेगा। ओके, देन विल गो टू सर्विसेज, हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। अब इसमें देखिए मैंने क्या क्या डिसेबल करा, एडोब की सारी, गूगल की सारी, ओरिजिन क्लाइंट सर्विस, ओरिजिन अगर आप यूज़ करते हैं तो QME एमुलेटर या टेंसेंट वालों का, स्टीम क्लाइंट सर्विस, अनचीटर और बैटल ग्राउंड, ये भी मैंने वो कर रखा है, अनसेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये इसको अनसेलेक्ट मत करिएगा, सॉरी इससे अकाउंट बैन हो जाएगा, क्योंकि ये सर्विस रन होनी चाहिए बैकग्राउंड में अगर आप पबजी PC और PC लाइट खेल रहे हैं तो, ठीक है। तो इसमें क्या करना था आपको, यहाँ गए सर्विसेज, MS config की सर्विसेज में, हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। अब इसमें से आपको जो जो थर्ड पार्टी, जैसे मैन्युफैक्चरर में जाना, जितने भी थर्ड पार्टी वो हैं जो आपको स्टार्टिंग में बूट अप के टाइम में नहीं चाहिए, जैसे स्टार्टिंग में मेरे को इंटेल प्रो मॉनिटरिंग सर्विस चाहिए, NVIDIA डिस्प्ले कंटेनर, जिससे मेरा यहाँ पर NVIDIA कंट्रोल पैनल आता है, अभी मैंने हटा रखा है, ठीक है, और ईजी एंटी चीट, या आपका पबजी PC का है तो इसको मेक श्योर करना ऑन ही रहने देना, अगर इसको ऑफ कर दिया तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा जस्ट बिकॉज ये प्रोसेस नहीं चल रही है बैकग्राउंड में, और अनचीटर ये पबजी PC लाइट का है तो इसको भी ठीक रहने दीजिए, और बाकी की मतलब जो भी वर्थलेस आप नहीं चाहते कि स्टार्टिंग में रन करें उसको डिसेबल कर दीजिएगा, ठीक है। ओके करना, एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट, अभी बहुत चीज़ें करनी हैं। ओके, अब आए विंडोज़ की सेटिंग्स में, सिस्टम में गए, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं करना है, देन यू गो टू नोटिफिकेशन एंड एक्शंस में गए, नोटिफिकेशंस ऑफ, ये सब अनटिक कर देना, मैं भी कर देता हूँ, चलो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ऑफ़ करते ही सब हो जाएगा, जितना भी टिक है सब ऑफ़ कर देना, यहाँ पर ये भी ऑफ है, ऑटो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फोकस असिस्ट में गए, इसमें ऑफ़ कर दिया इसको, और ये सब अनटिक कर दिया, और यहाँ पर भी अनटिक कर दिया, ठीक है। पावर एंड स्लीप में गए, यहाँ पर अब पावर ऑप्शंस ये है कि अब विंडोज़ ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है, ठीक है, तो ये पावर ऑप्शंस उसके लिए है जो मेक श्योर करें कि लैपटॉप यूज़र इस स्टेप को करे ना, तो डेस्कटॉप में आप इसको नेवर, आपका स्क्रीन कभी स्लीप नहीं होगा, और यू नो जब तक आप ऑन है तो आपका सिस्टम भी ऑन है। यप, देन यू गो टू एडिशनल पावर सेटिंग्स, ठीक है। अब इसमें मेरा अल्टीमेट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, आपको शायद बैलेंस में होगा, तो इसके लिए मैं एक CFG, कल मैंने टीपा को भेजी थी, लेट्स सी आ गया टीपा, ओके यप, एक कमांड है, तो इसमें आपको विंडोज़ प्लस R की दबानी है, ओके वो सेटिंग है, विंडोज़ प्लस R की दबानी है, देन यू हैव टू राइट CMD, इससे आपका कंसोल प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, देन इस कमांड को ये यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है और एंटर मार देना है, इससे आपका अल्टीमेट परफॉर्मेंस वाला टैब खुल जाएगा, ठीक है। तो अभी भी आपको यहाँ पर अगर नहीं दिखा रहा है तो आप ऑल कंट्रोल पैनल आइटम में जाइए, दोबारा से पावर ऑप्शन में जाइए, आपका आ जाएगा, तो उसमें आप अल्टीमेट परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर लेना, मेक श्योर कि लैपटॉप यूज़र्स इसको ना सेलेक्ट करें, क्योंकि लैपटॉप में आपका ऐसा होगा कि अगर आपने पावर ब्रिक भी नहीं लगाई है, मतलब अपना चार्जर भी नहीं लगाया,
फिर भी आपका पीसी अल्टीमेट मतलब मैक्स परफॉर्मेंस में चलेगा, जिससे आपका बैटरी का ड्रेन बहुत होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका लैपटॉप आप घर में ही यूज़ कर रहे हैं जस्ट फॉर गेमिंग और स्ट्रीमिंग, और आपका चार्जर हर टाइम कनेक्टेड रहता है, देन यू कैन सेलेक्ट अल्टीमेट परफॉर्मेंस, ठीक है। वरना अगर आपने वैसे भी चला दिया तो आपका शिट, ओके, मेरा दूसरा प्लान हो गया, मतलब ऑटो ऐड हो जाता है। देखिए मैंने अभी वो कमांड डाली तो एक और अल्टीमेट परफॉर्मेंस हो गया, तो इसको यहाँ से डिलीट मार सकते हैं अगर दो बार कमांड डल गई है तो। ये तो अगर आपका नहीं दिख रहा है तो यहाँ शो एडिशनल प्लान में जाके भी एक बार चेक कर लेना, वरना अल्टीमेट परफॉर्मेंस मोस्टली सबके उसमें नहीं होता है। तो यार ओके, ये हो गया ये सेटिंग्स। देन इसी में आए और स्टोरेज में गए, स्टोरेज सेंस ऑफ कर दिया इसको। देन टैबलेट मोड सब ऑफ, व्हेन आई साइन इन यूज़ द प्रीपेड मोड, यूज़ डेस्कटॉप मोड क्योंकि मैं डेस्कटॉप यूज़र हूँ। वैसे इसको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, डोंट आस्क मी एंड डोंट स्विच, ठीक है, इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। मल्टीटास्किंग स्नैप विंडोज़ इसको ऑफ कर दीजिए, अनटिक कर देंगे तो वो भी सही है, वैसे तो ऑफ ही हो गया हो। ये भी ऑफ, ओनली द डेस्कटॉप आई एम यूजिंग, ओनली द डेस्कटॉप आई एम यूजिंग। प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी इसको आप ऑफ कर सकते हैं, बट अगर आप प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं तो आई वोंट रिकमेंड कि आप इसको ऑफ करें, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। शेयर्ड एक्सपीरियंस ये भी ऑफ कर दीजिए, अगर आप अपने सिस्टम में मतलब आपके पास कोई विंडो डिवाइस कनेक्टेड नहीं अपने सिस्टम से तो इसको ऑफ कर दीजिए। मैं तो कोई विंडो डिवाइस अपने पीसी के अलावा कोई यूज़ ही नहीं करता, तो या मेरे ऑफ है। क्लिपबोर्ड हिस्ट्री ऑफ, इसको सब क्लियर कर दो। रिमोट डेस्कटॉप ऑफ, ओके। देन गो टू होम, सिस्टम सेटिंग इज डन। देन मूव टू एप्स, एप्स एंड फीचर्स में आप ऑप्शनल फीचर्स में जाना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी एप्स दिख रही होंगी, मतलब जैसे मैथ रिकग्नाइजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फालतू की। तो इंग्लिश जितनी भी टेक्स्ट टू स्पीच या फिर स्पीच, ये ए वाली हैं, ये हैंड राइटिंग, ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजेशन, ठीक है। इसमें एक विंडोज़ हेलो फेस भी होगा, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, हेलो फेस और ये सब आप अनइंस्टॉल मार दीजिए ऐसे टिक करके। यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा तो उसको अनइंस्टॉल मार दीजिएगा, ठीक है। वो खाली हेलो फेस इज़ जस्ट फॉर वर्चुअल रियलिटी एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर आई गेस आप यूज़ ही नहीं करते होगे, आपके पास क्रोम या मोजिला होगा, अगर आप यूज़ करते हो तो मत मारिए। मैथ रिकग्नाइजर यू डोंट नीड, ओपन एस एस एच क्लाइंट भी होगा, उसको भी अनइंस्टॉल मार देना, ठीक है। अब बैक जाना, ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी कचड़ा है सिस्टम में, मतलब जितनी भी वर्थलेस एप्स हैं उनको प्लीज़ अनइंस्टॉल मार दीजिए। जैसे यू एक्सबॉक्स गेम बार, अगर मोस्टली कितनों का आता है अनइंस्टॉल मारने का, मेरा नहीं आ रहा सैडली, बट जो जो अनइंस्टॉल हो सकती है, मतलब ये भी नहीं कि आपने ब्लाइंडली किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल मार, जैसे योर फ़ोन मैं कर सकता हूँ, मैं कोई फ़ोन एप्लीकेशन अपने सिस्टम नहीं चलाता। एक्सबॉक्स गेम बार मैं कर सकता हूँ अनइंस्टॉल, मैं एक्सबॉक्स गेम बार यूज़ नहीं करता, ठीक है, ओके। देन या मैंने मोस्टली सभी अनइंस्टॉल मार रखी हैं, डिसेबल मार रखी हैं, तो या माइक्रोसॉफ्ट फोटोज़ एज एक बार चेक कर लेना कि अगर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, मेरे उसमें नहीं आ रहा है तो। या गेट हेल्प और ओके, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, बट बी केयरफुल अनइंस्टॉलिंग द एप्स, अनइंस्टॉल ओनली दोज ऐप विच आर थर्ड पार्टी, और अगर माइक्रोसॉफ्ट की करनी है तो सॉलिटेयर ये सब गेम्स वेम्स कर सकते हो, मतलब गेम्स और बहुत सारी ये वो योर फोन तो मतलब जितना भी कचरा है ट्रैश है सब निकाल दो अपने, ठीक है। और एक सेकेंड, मेरे वहाँ कोई आया है, आई विल बी जस्ट बैक। ओके, वी आर बैक। तो सॉरी, एक्चुअली कोई आ गया था, तो तुम्हारे भाई का खाना आया था एक्चुअली, तुम्हारा भाई अभी देखो
ये नहीं बोलेगा कि भाई भाई ने मारो मुझे, मारो खाना मारो मारा, मुझे, ऐसे मारो कौन मारो, करता है। बट नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो तुम्हारा रहा है। भाई खाली पेट वीडियो बना रहा था, इस चीज को अप्रिशिएट करो, फालतू की चीजों में दिमाग मत डालो। ओके तो वी आर डिफॉल्ट मैप्स पे नहीं आना है, ऑफलाइन मैप्स पे थे तो डिलीट ऑल मैप्स करना है आपको यहाँ पर, और मीटर कनेक्शन ऑफ, मैप अपडेट्स ऑफ, ठीक है। ऐप्स और वेबसाइट्स में कुछ नहीं करना है, वीडियो प्लेबैक में जाना है, ये शायद सबका ही ऑफ होगा या फिर ऑफ नहीं तो इसको ऑफ कर देना। स्टार्टअप में जाना है, स्टार्टअप में सारी स्टार्टअप एप्लीकेशंस को ऑफ कर देना है। मेक श्योर आप अपना जैसे गेमिंग कीबोर्ड, गेमिंग माउस, आपका कोई भी एप्लीकेशन है जैसे लॉजिटेक का, एलजी करके कुछ होता है, तो आपका जितना भी हार्डवेयर है उस ऐप्स को आप बंद मत करिए स्टार्टअप में, ठीक है। बिकॉज़ ये प्रोसेस स्टार्टिंग के टाइम बहुत लोड लेती है। मेरे को स्पॉटिफाई नहीं चाहिए क्योंकि मैं स्पॉटिफाई तभी खोलूँगा जब मेरे को सुनना होगा, तो मैं यहाँ से क्लिक करके खोल सकता हूँ। तो मेरे को स्टार्टिंग में स्पॉटिफाई रनिंग नहीं चाहिए, स्टीम क्लाइंट बूटस्ट्रैपर पर ये भी नहीं चाहिए। जब मेरे को स्टीम गेम्स खेलने होंगे तो मैं स्टीम यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। तो या बेसिकली यहाँ पर आप केयरफुली अपने अपने जो भी बैकग्राउंड स्टार्टिंग में ऐप्स हैं, बैकग्राउंड कर रहा हूँ, स्टार्टअप जो ऐप्स हैं वो सेलेक्ट करके आप ऑफ कर दिए। देन होम पे वापस गए हम, अकाउंट्स में आपको कुछ नहीं करना है। देन वी विल गो टू गेमिंग, गेमिंग में गेम बार डिसेबल कर देना क्योंकि ये भी इन गेम ओवरले होता है जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं। तो या इसको डिसेबल करके अनटिक जितना भी हो रहा है। कैप्चर्स में गए, सबको ऑफ 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 ऑफ, कैप्चर माउस अनटिक, ठीक है। गेम मोड ऑन रखना, किसी किसी सिस्टम के लिए वर्क करता है, किसी के लिए नहीं करता है, तो एक बार आप ऑन या ऑफ करके परफॉर्मेंस चेक कर लेना। बट बेसिकली मैं प्रेफर करता हूँ कि गेम मोड मेरा ऑन रहे, मेरे को अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है इससे। ये विंडो ऑप्टिमाइज योर पीसी फॉर प्ले, तो सही है। नेक्स्ट बॉक्स नेटवर्किंग में कुछ नहीं करना है। एक बार आप गेम बार में दोबारा जाइएगा तो यहाँ पर आपको ग्राफिक्स सेटिंग दिख रही होगी, इसमें क्लिक करना, ठीक है। अब इसमें आप जो जैसे मैं OBS, गेम लूप भी वो एंड्रॉयड एमुलेटर, तो यहाँ पर ब्राउज में जाना। अपना जो स्ट्रीम करते हैं उनके लिए है कि अपना जहाँ पर आपने OBS इंस्टॉल करा है तो OBS.exe जो फाइल है आपकी वो निकाल के आप वो ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद यहाँ पर जाना, ऑप्शंस में जाना और हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट करके सेव कर देना, ठीक है। और जो पबजी खेलने वाले लोग हैं तो पबजी में जाना, प्रोग्राम फाइल्स में PAX गेमिंग असिस्टेंट UI, देन उसमें एंड्रॉयड एमुलेटर को ऐड करना और उसमें ऑप्शंस में जाके हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर देना। और बेसिकली आप जो भी गेम्स खेलते हैं, मैं असैसिन्स क्रीड स्ट्रीम कर रहा था कुछ टाइम पहले, तो वो भी मैंने हाई परफॉर्मेंस में सेट कर रखी। तो यहाँ पर आप अपनी ग्राफिक परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस में सेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके देन विल गो टू होम, ईज ऑफ एक्सेस में जाना। ईज ऑफ एक्सेस में ओके, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देन विल गो टू प्राइवेसी, जनरल में सारे ऑप्शन ऑफ, स्पीच ऑफ, इंकिंग ऑफ, डायग्नोस्टिक्स बेसिक करके ये सब ऑफ, डिलीट डायग्नोस्टिक डेटा, फीडबैक फ्रिक्वेंसी नेवर, एक्टिविटी हिस्ट्री में सब अनटिक और क्लियर एक्टिविटी हिस्ट्री, लोकेशंस में सब कुछ ऑफ, क्लियर लोकेशन हिस्ट्री, कैमरा और माइक्रोफोन प्लीज मत छेड़िएगा, इससे आपका कैमरा और माइक्रोफोन मॉनिटर होता है, नोटिफिकेशन सब ऑफ। अगर आपका कोई गेमिंग कीबोर्ड या माउस है उसको ऑन करता हूँ पहले। ओके मेरे उसमें तो बैकग्राउंड पहले से डिसेबल्ड है, तो मतलब ऑन होगा तो आपको नीचे बहुत सारी एप्लीकेशन दिख रही होंगी, बट क्या बोलते हैं आप वन बाय वन भी ऑफ कर सकते हैं। मैं तो बैकग्राउंड सीधे डायरेक्टली ऑफ कर देता हूँ, तो आपका जो भी माउस या फिर उसका नोटिफिकेशन आता है जैसे गेमिंग माउस का, DPI का नोटिफिकेशन आता है, उसको आप एज इट इज़ ऑन रहने दे सकते हैं, बाकी सबको डिसेबल कर दें। अकाउंट इन्फो ऑफ, सब अनटिक कर दीजिएगा यहाँ पर।
कॉन्टैक्ट्स ऑफ, ये भी सब अनटिक, कैलेंडर ऑफ, फोन कॉल्स ऑफ, कॉल हिस्ट्री ऑफ, ईमेल्स ऑफ, टास्क ऑफ, मैसेजिंग ऑफ, रेडियोस, ओह शिट ये ऑफ है, रेडियोस ऑफ, कल बता रहा था एक्चुअली ऑन हो गया, अदर डिवाइसेस ऑफ, अगर आप कुछ भी कनेक्टेड नहीं है आपके विंडोज़ में, जैसे एक्सबॉक्स, प्रोजेक्टर, टीवीज, मोबाइल फोन्स, तो उसको ऑफ कर सकते हैं। बैकग्राउंड ऐप्स में जाना और सारी ऐप्स को ऑफ कर देना, मतलब सेलेक्ट कर लेना, वैसे मैंने तो यहाँ पर ऑफ ही कर रखी है वन बाय वन, तो जो तुम्हें बैकग्राउंड में नहीं चाहिए रन, जैसे मेरा तो इसमें गेमिंग सॉफ्टवेयर नहीं आ रहा माउस का और ये कीबोर्ड का, बिकॉज आई यूज़ नॉर्मल गेमिंग माउस एंड कीबोर्ड, तो या तो इसमें सब कुछ ऑफ कर दिया, ठीक है। सेलेक्ट, अगर आपका गेमिंग माउस कीबोर्ड है तो उसको ऑन कर लीजिएगा, बट या ऐप डायग्नोस्टिक ऑफ और ऑटोमेटिक फाइल डाउनलोड, ये तो कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ, पिक्चर्स ऑफ, वीडियोस ऑफ, फाइल सिस्टम ऑफ, ठीक है। यहाँ पर आ गए अपडेट एंड सिक्योरिटी, एक बार चेक कर लेना आपका सिस्टम अपडेट है नहीं है, ठीक है। अप टू डेट रखना, ऑप्शनल अपडेट कभी भी इंस्टॉल मत करना, बिकॉज ये टेस्ट और वो होता है फीचर, मतलब एक्स्ट्रा फीचर होता है, टेस्ट भी नहीं, तो विंडोज़ 10 बहुत ही बुलशिट वो डालता है, मतलब क्या बोलें भाई साहब, बहुत सारी कचरा भर देता है सिस्टम में। ओके, देन ये भी हो गया आपका। अब हम जाएंगे, MS config हो गया आपका, services हो गया, okay, then we'll go to NVIDIA control panel, let's see, इसको open होने में थोड़ा time लगेगा। अगर ये open नहीं होता है तो फिर से windows plus R करके services.msc, क्योंकि मेरा off कर दिया था गलती से, इसमें NVIDIA select करना, डिस्प्ले कंटेनर में राइट क्लिक करके स्टार्ट करना, या आपका दिख जाएगा यहाँ पर कंट्रोल पैनल। ओके, ये ऑन हो गया। एडजस्ट इमेज सेटिंग्स विद प्रीव्यू में जाना, इसको सेलेक्ट करना, ये क्वालिटी में होगा आपका बाय डिफ़ॉल्ट, इसको ड्रैग करके क्वालिटी से परफॉर्मेंस में कर देना। देन गो टू दिस, टेक मी देयर। अब मेक श्योर करना कि सबके ग्राफिक कार्ड अपडेटेड हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला था, ग्राफिक कार्ड नई चीज़ आई है, इमेज शार्पनिंग, ठीक है, ये बहुत तगड़ा फीचर है, इसमें गेम की क्वालिटी एंड एवरीथिंग बहुत इंप्रूव होती है, पर मैं यूज़ नहीं करता बिकॉज मेरा ग्राफिक कार्ड बहुत लो एंड है। ओके, तो एक बार ट्राई करके देख लेना, बट ग्लोबल सेटिंग्स में तो इसको ऑफ ही रखना, तो या ग्लोबल। अब इसमें आपकी कितनी भी सेटिंग्स कुछ मेरे से मैच नहीं करेंगी, मतलब ये तो होंगी और भी एक्स्ट्रा होंगी, तो उनको मत छेड़ी, बट एक बार ये सेटिंग्स आप ट्राई करके देखिएगा, आपका बहुत गेम प्ले एंड यू नो स्मूथ चलेगा। इमेज शार्पनिंग ऑफ, ग्लोबल सेटिंग्स बता रहा हूँ मैं, एम्बिएंट ऑकलूजन ऑफ, एनिसोट फिल्टरिंग ऑफ, FXA ऑफ, गामा करेक्शन ऑन, एंटीलाइजिंग मोड ऑफ, पूरा GPUs सब ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, जो भी है, मेरा तो एक ही है GPU, DSR फैक्टर ऑफ, लो लेटेंसी मोड, ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसमें जो आपके इन गेम FPS जो आपके ड्रॉप्स होते हैं और वो, तो उसको और ऑप्टिमाइज करने के लिए उन्होंने ये निकाला था मोड, और इसको अल्ट्रा में सेट कर देना, ठीक है, ये मैक्स परफॉर्मेंस देता है अल्ट्रा में। ओपन जी एल ऑटो सेलेक्ट करना, पावर मैनेजमेंट प्रिफर मैक्सिमम परफॉर्मेंस, वहाँ से तो हमने पावर मैनेजमेंट पहले अल्टीमेट परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर ही रखी है। शेडर कैश ऑन, टेक्सचर फिल्टरिंग एनिसोट्रॉपिक सैंपल ऑप्शन ऑन, नेगेटिव LOD बायस अलाउ, क्वालिटी सेट टू हाई परफॉर्मेंस, ट्राइलिनियर ऑप्टिमाइजेशन ऑन, थ्रेडेड ऑप्टिमाइजेशन ऑन, ट्रिपल बफरिंग वी सिंक ऑफ, वर्चुअल रियलिटी प्री रेंडर फ्रेम्स 1, ठीक है, इसको आप अप्लाई कर दीजिए। देन गो टू प्रोग्राम सेटिंग्स,
अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा खोलने में। ओके, और OBS यूज़र मैं रिकमेंड करूँगा आप नॉर्मली जो OBS स्टूडियो है वो यूज़ करिए, बिकॉज़ बहुत लाइट वेट है OBS स्टूडियो कंपेयर टू स्ट्रीम लैब्स, और इट्स मच बेटर। मतलब अगर आपको स्ट्रीम और अच्छा करना, मतलब गेम प्ले क्वालिटी एंड यू नो, या तो OBS में मैंने जो इमेज शार्पनिंग रखी है, मैंने 1 रखी है, बट इसमें आप इसको ऑन करके इग्नोर फिल्म ग्रेन तो 0 कर दीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। मतलब बेसिकली आप, मैं रिकमेंड करूँगा 0.30 अराउंड, वरना आपका जो बहुत सारे जो हाई एंड ग्राफिक कार्ड है उसमें OBS खोलोगे तो ग्रेन दिखने लग जाता है। तो या तो 0.30 अराउंड, बट मैंने 1 रखा है बिकॉज मेरा ये चल रहा है। तो ये तो टेस्ट पे है कि आप कितना शार्पन करते हैं। ठीक है, एनिजोट्रॉपिक फिल्टरिंग 16x जो मैक्स है, एंटी एलियासिंग इफेक्ट से ऑन, कामा करेक्शन ऑन, एंटी एलियासिंग मोड इन्हेंस द एप्लीकेशन सेटिंग्स, कूडा जीपीयूज ऑल, लो लेटेंसी मोड अल्ट्रा, ओपन जीएल ऑटो सेलेक्ट, पावर मैनेजमेंट मोड प्रेफर्ड मैक्सिमम परफॉर्मेंस, शेडर कैश ऑन, टेक्सचर फिल्टरिंग एनिजोट्रॉपिक सैंपल ऑप्शन ऑन, नेगेटिव एलओडी बायस क्लैंप, क्वालिटी हाई क्वालिटी, ट्राई लीनियर ऑप्टिमाइजेशन ऑन, थ्रेडिट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ, ट्रिपल बफरिंग ऑन, वी सिंक ऑन, वर्चुअल रियलिटी पी रेंडर फ्रेम्स 1। इसको भी सेट करके अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पर OBS स्टूडियो नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर ऐड करके ब्राउज करके अपना OBS स्टूडियो वैसे ही खोल सकते हैं जहाँ पर आपने इंस्टॉल किया है। ठीक है, अब दूसरे प्रोग्राम के लिए आपको जाना है, वैसे आपको यहाँ पर दिखाएगा नहीं, तो आप ऐड करिएगा, ब्राउज करिएगा जहाँ पर आपने पबजी मोबाइल अपना इंस्टॉल कर रखा है, प्रोग्राम फाइल्स, TX गेमिंग असिस्टेंट, UI। ठीक है, यहाँ पर एंड्रॉयड एमुलेटर को ओपन कर देना है, तो मैंने तो पहले से ही कर रखा है तो आपको ये आ जाएगा, टेनजुन शाओ यू जो भी है, एंड्रॉयड एमुलेटर .exe। ठीक है, इसमें अब आपको इमेज शार्पनिंग ऑफ कर देनी है, एनिजोट्रॉपिक फिल्टरिंग ऑफ कर देनी है, FXA ऑफ कर देना है, गामा करेक्शन ऑफ, एंटी अलियासिंग मोड ऑफ, कूडा जीपीयूज ऑल, लो लेटेंसी मोड ऑफ। इसका एक रीज़न है, बिकॉज मैंने ऑफ इसलिए करा है क्योंकि ये जो पबजी मोबाइल एमुलेटर गेम है और इसमें मैक्स हम जा सकते हैं 60, उसमें 60 FPS में, तो इसको ऑन करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ये PC गेम्स में आप इसको अल्ट्रा कर सकते हैं, और बाकी तो यही सेटिंग्स है बाकी गेम्स की सब। ओपन जी एल रेंडरिंग GPU, अपना ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट कर दिए, पावर मैनेजमेंट प्रेफर मैक्सिमम परफॉर्मेंस, शेडर कैश ऑन, टेक्सचर फिल्टरिंग एनिजोट्रॉपिक सैंपल ऑप्शन ऑफ, नेगेटिव एलओडी बायस अलाउ, क्वालिटी हाई परफॉर्मेंस, ट्राई लीनियर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ, थ्रेडेड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ, ट्रिपल बफरिंग ऑफ, वी सिंक ऑफ, वर्चुअल रियलिटी प्री रेंडर फ्रेम्स, यूज द 3D एप्लीकेशन सेटिंग्स। हाँ, अब इसमें एक चीज़ है कि अगर आपको अपनी स्क्रीन में फ्लिकरिंग दिखती है, मतलब जब आप अपनी मोबाइल खेलोगे सेटिंग्स के बाद फ्लिकरिंग दिखती, क्योंकि कल मैंने एक बंदे को बताया था तो उसने कहा कि फ्लिकरिंग दिख रही है मेरे को, तो वी सिंक ऑन कर दिए। ठीक है, वी सिंक ऑन करने से क्या होगा कि आपके जो FPS है वो 60 FPS में लॉक हो जाएंगे, मतलब आपका जो स्क्रीन का FPS है मैक्स, तो एंड इसमें पबजी में टेंसेंट जो है एंड्रॉयड एमुलेटर उसमें 60 फ्रेम्स जा सकते हैं, तो 60 फ्रेम से लॉक कर देगा। ठीक है, तो या फ्लिकरिंग दिखती है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, वरना वी सिंक ऑफ ही रखे, वी सिंक सबके लिए ऑफ ही रिकमेंड होता है। इसको अप्लाई करके ओके कर दीजिए, देन गो टू कन्फिगर सराउंड साइकेक्स, और यहाँ पर अपना ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, मेरा GTX 660 है। यप, देन गो टू एक्स एडजस्ट डेस्कटॉप कलर सेटिंग्स, उसमें यूज एनवीडिया सेटिंग्स में जाना, डिजिटल वाइब्रेंस 60 to 80 के बीच में, यहाँ पर रेफरेंस इमेजेस दी होती हैं उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए आपको कैसा डिजिटल वाइब्रेंस चाहिए। ठीक है, ये देखो थोड़ा कलर इसमें क्या होता है कि कलर कम ज़्यादा होता है, तो मेरे को अराउंड 80 अच्छा लगता है, वैसे जो मैं
तीन चार बंदों को सेटिंग बताया, उनको अराउंड 65 to 70 अच्छा लगा, तो उन्होंने वही करा। तो यार अलग अलग ग्राफिक कार्ड में डिपेंड करता है, तो इससे क्या होगा कि इससे आपका इन गेम एक्सपीरियंस और थोड़ा इम्प्रूव होगा, बेटर कलर्स आपको दिखेंगे। और आपको अब जाना है ये इनमें एडजस्ट वीडियो कलर सेटिंग्स में, इसमें विद द एनवीडिया सेटिंग्स में जाना है, तो इनको नहीं छेड़ना, एडवांस में जाना है, यहाँ पर लिमिटेड होगा, इसको फुल कर देना है। अब इसमें जाना है एंड में, यूज़ द एनवीडिया सेटिंग्स एज इन माई एनहांसमेंट और नॉइस रिडक्शन में, और दोनों को 100 कर देना है, अप्लाई, ओके। ये आपकी ग्राफिक कार्ड की सेटिंग्स हो गई, ठीक है। अब आते हैं OBS की सेटिंग्स में, OBS ये मेरा खुला है, ठीक है। मेक श्योर करना कि आपके उसमें OBS में बहुत कम ब्राउज़र शोर्स हो, तो मेरा जैसे ये है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग स्क्रीन है, मैं अगर इसको ऑन करूँ तो यार, और जब ये यूज़ नहीं होता है तो इसको ऑफ़ कर दिया करिए, क्योंकि ये बैकग्राउंड में बहुत सारा वो लेता है, ठीक है। तो ये मेरी BRB की स्क्रीन, ये एंडिंग स्क्रीन है मेरी, ओके। तो मेन स्क्रीन में देखो, मेन स्क्रीन में ज़्यादा ब्राउज़र सोर्स नहीं है मेरे, एक यहाँ पर भी ब्राउज़र सोर्स नहीं है, तो टेक्स्ट और इमेजेस हैं, ठीक है। एक इसमें हल्का सा बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा है जो कि मैंने लूप कर रखा है, और मेरा बस एक सब काउंट है, ठीक है। आप वो करते हैं पेटीएम या फिर ये सब, तो मेक श्योर करिए कि बहुत कम लोड पड़े, मतलब बहुत कम, जितना ब्राउज़र सोर्स आप कम कर सकते हैं वो करिए, ठीक है। और ब्राउज़र सोर्स में ऐसा करना कि रिफ़्रेश ब्राउज़र व्हेन सीन बिकम एक्टिव और शट डाउन सोर्स व्हेन नॉट विजिबल, ठीक है। तो या ये चीज़ टिक कब करनी है कब नहीं करनी है, वह एक बार अपने तरफ से सर्च कर लेना। जैसे सब गोल में ये सब काउंट में लगा रखा है मैंने, बिकॉज़ जब भी कोई नया सब्सक्रिप्शन आएगा तो क्या बोलते हैं, ये रिफ़्रेश मारेगा एक बार, देन वो काउंटर बढ़ेगा। और जब मैं इस स्क्रीन को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जैसे दूसरी स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या बोलते हैं, ये ब्राउज़र शट डाउन हो जाएगा, जो कि लोड नहीं लेगा एक्चुअली, प्रोसेसर लोड, ओके। तो अगर हम OBS के सेटिंग्स में जाएं, तो जनरल स्ट्रीम में तो आप ही अपना यूट्यूब का डालेंगे, या ट्विच में करते हैं तो ट्विच, ठीक है। आउटपुट में आना है, एडवांस में करना है, देन एक और चीज़ मैंने एक्चुअली आजकल बहुत हवा हो गया है कि जितना ज़्यादा बिट रेट उतना ज़्यादा स्ट्रीम क्वालिटी, वो चीज़ सही है, बट अगर आप बिट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, मतलब मैंने तो क्रेज़ी पीपल भी देखे हैं जो 20,000+ 30,000 बिट रेट में स्ट्रीम करते हैं, ठीक है, इफ़ देयर सिस्टम कैन सपोर्ट, बट इतना स्ट्रीम करने का कोई वैल्यू नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि आपके व्यूअर्स भी वैसे ही हों, मतलब उनके पास भी दैट गुड ऑफ इंटरनेट, और यू नो, खाली आप इतने ज़्यादा बिट रेट में कर रहे हैं, आपका सिस्टम की हालत ख़राब हो रखी है, और यू नो, आपका गेम लैग हो रहा है, और आपका स्ट्रीम क्वालिटी बफर हो रही है, या फिर बफरिंग, बेसिकली बफरिंग का रीज़न यही है कि आपका बिट रेट बहुत ज़्यादा होता है, और जो वॉचर्स व्यूअर्स होते हैं वो, उनका नेट उसको कोप नहीं कर पाता है, तो या तो बिट रेट जो रेकमेंडेड है 1080p 60 FPS स्ट्रीम के लिए, वो यूट्यूब गाइडलाइंस में दिया है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बट जो है अभी करेंटली 1080p 60 FPS में है, वो है 6,000 to 12,000, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप अपना इंटरनेट का अपलोड स्पीड चेक करें, मेरा तो 90 Mbps का प्लान है, स्टिल आई एम डूइंग इन 6,000 Kbps, बिकॉज मेरे स्ट्रीम क्वालिटी अगर चेक भी करेंगे तो इट्स गुड एज़ कम्पेयर टू अदर PC स्ट्रीमर्स, और वो तो उनका पास तो और अच्छा PC है मेरे से, या तो इसमें एडवांस में आना है, आउटपुट मोड में, एनकोडर में आपको एनवेंक, जो नया एनकोडर आया है, अगर आप एनवीडिया ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं तो या उसमें आपको एनवेंक का न्यू वाला एनकोडर मिलेगा, उसमें जाना है, एनफोर्स स्ट्रीमिंग एनकोडर सेटिंग्स में टिक कर देना है, रेट कंट्रोल CBR सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका
नेट बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो VBR भी ट्राई कर सकते हैं। VBR में मैंने 6,000 से 12,000 वही कर रहा है, तो क्या CBR में 6,000 से कर लीजिए या फिर 6,000 इज़ गुड। अगर आपको बढ़ाना ही है तो मैक्स जाइए 10 या 12, उससे ऊपर आई डोंट थिंक कि सिस्टम को इतना लोड देना चाहिए। कीफ्रेम इंटरवल्स टू प्रीसेट परफॉर्मेंस, इसको प्रीसेट में परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका सिस्टम बहुत हाई एंड है तो मैक्स क्वालिटी भी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा परफॉर्मेंस में करिए, बिकॉज आपको गेम भी खेलना है अगर आपके पास सेम पीसी, एक ही पीसी में आप स्ट्रीम और वो कर रहे हैं, ठीक है। प्रोफाइल हाई पहले से ही होगी, ये भी पहले से ही होगा। GPU 0, मैक्स प्रीम फ्रेम्स 2, इसको अप्लाई कर दीजिए। देन ऑडियो में गए, सैम्पल रेट 44.1, ये सब सेलेक्टेड पहले से ही होगा। वीडियो में बेस कैनवस और आउटपुट स्केल कैनवस आपका 1080p 1920 1080 होना चाहिए। देन डाउन स्केल फिल्टर आप मैक्स 36 सैम्पल सेलेक्ट करिए। कॉमन FPS 60 से एक अबव होता है, 59.94 वो सेलेक्ट करिए, ठीक है। एडवांस में गए, प्रोसेस प्रायोरिटी बहुत बुलशिट दिया है वैसे यूट्यूब में कि इसको अबन नॉर्मल, ये सब कुछ नहीं, इसको नॉर्मल ही रहने दीजिए। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, तो उनमें से एक ये है, खाली प्रोसेस प्रायोरिटी बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, इसको नॉर्मल ही रहने दीजिए। DirectX 3D 11 ये पहले से सिलेक्टेड होगा। कलर फॉर्मेट NV12, कलर स्पेस 601, कलर रेंज पार्शियल, ठीक है। एक बार जस्ट फॉर वंस एक बार मेरी सेटिंग्स आप करके देखिएगा, आपको बहुत इम्प्रूव होगा आपके गेमिंग एंड आपकी स्ट्रीमिंग में, दोनों में, ठीक है। तो आपकी हो गई OBS की सेटिंग्स। ओह शिट, मैंने बंद कर दिया था अभी। ओके, तो यह अभी आई गेस सब कुछ कवर हो चुका है। देन एक चीज़ करिएगा, हाँ एक सबसे डेंजर चीज़ तो हम करना ही भूल गए, टास्क मैनेजर खोलिएगा। तो इसमें आपका कॉर्टाना रन दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे मेरा तो डिसेबल है तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो हम ये OBS को ही कॉर्टाना मान लेते हैं। तो आप कॉर्टाना में जब इधर को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक और कॉर्टाना दिख रहा होगा, तो राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन करिएगा, ठीक है। फाइल लोकेशन में जो फोल्डर आ रहा है उसको रिनेम करके कॉर्टाना लिख देना, रिनेम करके, रुक जाओ, ऐसे रिनेम करना और कॉर्टाना कुछ भी अपने उसमें ऐसे करके कॉर्टाना कर देना, ठीक है। और उसको एंटर मार देना, बट वो रिनेम होगा नहीं, उसमें ट्राई अगेन आएगा। तो आपको क्या करना है, वो ट्राई अगेन वाले उसको कैंसिल नहीं करना है, उसको वैसे ही रहने देना है। ट्राई अगेन जो आएगा उसको आपको इसके बगल में लाना है कॉर्टाना के, और ये मेन वाले को ऐसे करके एंड टास्क करना है। और जैसे ही आप एंड टास्क करेंगे तो मेक श्योर एंड टास्क करने के साथ ही विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप ट्राई अगेन में क्लिक कर दें, तो आपका वो फोल्डर रीनेम हो जाएगा कॉर्टाना में, और आपका कॉर्टाना भी परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हाउ टू डिसेबल कॉर्टाना विद इन अ मिनट। अगर आप YouTube में सर्च करेंगे तो बहुत सारा रजिस्ट्री एडिट ये सब फलाना ढिमकाना, फिर भी वो डिसेबल नहीं होता है। तो ये सिंपल एंड ट्राइड एंड टेस्टेड हुआ है मेरा। देखो कॉर्टाना नहीं चलता है, मैं कॉर्टाना भूल चुका हूँ एक्चुअली, था भी पता नहीं कब से बंद है मेरा, ठीक है। तो इससे आपको क्या हो गया, CPU से देखो 8% हो रहा है मेरा, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी 40 से 60 हज़ार की बिट रेट में। और रिकॉर्डिंग बिट रेट अलग होता है, रिकॉर्डिंग अगर सेटिंग चाहिए तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। और डिस्क यूसेज देखो 0% अभी, GPU मेरा यूज़ हो रहा है या बिकॉज ऑफ स्ट्रीमिंग OBS। एक बार मैं आपको रिकॉर्डिंग की भी सेटिंग दिखा दूँ, रिकॉर्डिंग की मेरी सेटिंग ये है, VBR 40 to 60,000। रिकॉर्डिंग में आप मैक्स वो कर सकते हो, एक बार इसका स्क्रीन पॉज करके देख लेना जो जो मैंने सेटिंग करी, और एक बार इसको ट्राई करना, ठीक है। रिकॉर्डिंग की सेटिंग ये हो गई। देन अब हमारा बेसिकली पूरा सेटअप हो चुका है, तो अब हम
करेंगे गेम लूप की सेटिंग्स के बारे में बात। गेम लूप ओके। एक और चीज़ इसको आप करना चाहे तो कर सकते हैं, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बट ओपन फाइल लोकेशन ओके। आपने जहाँ पर अपना एंड्रॉयड एमुलेटर डाला है, कहाँ है मेरा प्रोग्राम फाइल्स TX गेमिंग असिस्टेंट UI एंड्रॉयड एमुलेटर, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, कंपैटिबिलिटी ठीक है, चेंज सेटिंग्स फॉर ऑल यूज़र्स, रन दिस प्रोग्राम में टिक कर देना, डिसेबल फुल स्क्रीन, रन दिस प्रोग्राम एज एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है, चेंज हाई DPI सेटिंग्स, उसमें ओवरराइड हाई DPI स्केलिंग बिहेवियर ओके ओके अप्लाई ठीक है, एक बार ये कर लेना। आई डोंट थिंक इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बट या कर लेना एक बार, ट्राई कर लेना ओके। अब इंजन की सेटिंग्स में गए हम ठीक है, इसमें रन एट स्टार्टअप में अनटिक कर देना, इंजन में जाना, ओपन जी एल प्लस मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इट्स वे मच यू नो, बहुत लोगों के पास बहुत ही हाई एंड प्रोसेसर नहीं होता है, तो मेरा भी i7 है विद 8 कोर्स जो कि 4.1 GHz तक टर्बो जाता है, और अभी तक लोगों के पास ऐसा भी नहीं है कि 4.4 तक को भी टच कर पाए, क्योंकि मेरा उस टाइम में बहुत महंगा प्रोसेसर था। तो स्टिल OBS अगर आप रन कर रहे हैं, या फिर OBS को मैंने एक्चुअली पूरा प्रोसेसर लोड दे दिया, तो या OpenGL प्लस एक बार ट्राई करिएगा सेटिंग, रेंडर कैश, ये प्रायोरिटाइज डेडिकेटेड GPU को अनटिक करके, एंटीलाइजिंग क्लोज, मेमोरी मैक्स जितनी है, प्रोसेसर मैक्स जितने हैं, रेजोल्यूशन आपका जो मैक्स रेजोल्यूशन है DPI 120 कर दीजिएगा, ट्राई करिएगा, वरना अगर अच्छा नहीं दिख रहा तो 160 जो नॉर्मल है ठीक है। गेम में गए, अल्ट्रा HD 2K और डिस्प्ले क्वालिटी HD, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा खेलना है। मैं एक बार फॉर यू नो एक्सपीरियंस, आप एक बार इसको मैक्स सेट यहाँ पर सेट कर लेना कि आपका गेम लैग कर रहा है, वरना उसके हिसाब से इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा, क्योंकि जिनको मैंने बंदों को बता रखा है कि इससे पहले तो 1080 और उसमें खेलते थे, बट अब 2K में खेलते हैं, तो या मेरा तो मैक्स सेटिंग है, मतलब सब कुछ मैक्स ही कर रखा है मैंने यार, एंटीलाइजिंग को ऑफ करके ठीक है। एक बार गेम खुलने दो, देन आई विल टेल यू इन गेम सेटिंग्स। इन गेम सेटिंग्स भी मेरी मैक्स ही है, तो या तब तक एक चीज़ कर लेते हैं हम ओके हाँ, टास्क मैनेजर में गए, टास्क मैनेजर में स्टार्टअप में यहाँ पर जितनी भी फालतू की ऐप्स हैं थर्ड पार्टी या जो भी है, उसको डिसेबल कर देना, बस मेक श्योर कि आपका जो लैपटॉप के सॉफ्ट वो हैं, लैपटॉप के सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे, या फिर आपका जो हार्डवेयर है जैसे माउस कीबोर्ड, उस उन ऐप्स को डिसेबल नहीं करिए बस, वरना स्टार्टअप में जितनी फालतू की जैसे एडोब, ये मेरा इसमें चलता है आफ्टर इफेक्ट्स, और जब भी मैं एडोब की कोई भी फोटोशॉप ये सब CC एडोब के ही हैं, स्पॉटिफाई नहीं चाहिए मेरे को स्टार्टिंग में, स्टीम क्लाइंट सर्विस नहीं चाहिए, विंडोज सिक्योरिटी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, तो ये सब मैंने डिसेबल कर रखा है। गूगल प्ले सर्विसेज है स्टॉप, थैंक यू डिनाई, ये क्या बकैती हो रही भाई, पहली बार ही देख रहा हूँ मैं तो, चलो कोई नहीं। तो एक बार ये सेटिंग्स करके देखना, मैं आपको चाह रहा था कि मैं दिखा दूँ ये गूगल पे सर्विस क्यों बंद हो गए, आई डोंट नो, एक बार दोबारा चलाते हैं। किस्मत देख रहे हो, किस्मत, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं, चलो कोई नहीं। और ये नहीं कि ये सब सेटिंग करके बैठ गए, अभी याद होगा तो बहुत सारी चीज़ों में लिखा था कि यू नो सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो एक बार सिस्टम रीस्टार्ट मान लेना, उससे पहले सिस्टम रीस्टार्ट मानने से पहले टेम्प ऐसे करके ओके, कुछ ज़्यादा तेज कर दिया है, दोबारा दिखा देता हूँ, मेरी तो रोज़ की आदत है ना, तो विंडोज़ प्लस R दबाया, टेम्प लिखा,
ये स्टेम फोल्डर में जितनी टेम्प्रेरी फाइल्स हैं उसको सेलेक्ट किया और डिलीट मार दी, जो डिलीट नहीं हो रही उनको कैंसिल कर देना है। विंडोज़ प्लस आर दबाया फिर से, देन टाइप परसेंटाइल टेम परसेंटाइल ओपन करा, ये सब टेम्प फोल्ड डिलीट कर देना है, जो डिलीट नहीं हो रही है उसको स्किप कर देना है। देन टाइप प्रीफेच, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है सबको और डिलीट मार देना है। और मेक श्योर कि अपना रिसाइकल बिन भी पूरा क्लियर कर दें, ठीक है। और एक और चीज़, जब आप कॉर्टाना डिसेबल करेंगे तो आपका सर्च बार नहीं चलेगा, तो यहाँ पर से राइट क्लिक करके सर्च को इसको हिडन कर देना है। और अगर जो मतलब सर्च में टाइप वाइप करने की जिसकी आदत है वो यहाँ से अपनी एप्लीकेशन देख लेना, बस ये छोटा सा सेक्रीफाइस है कि आप सर्च बार यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मैं पूरा ही बता देता हूँ। और अगर आपको कंट्रोल पैनल एक्सेस करना है तो विंडोज़ प्लस आर की दबाना, इससे रन कमांड खुलता है और यहाँ पर लिखना कंट्रोल पैनल, यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल खुल जाएगा, ठीक है। या तो बेसिकली यही है, और मेरा एमुलेटर रन हो गया है, ये देख ही रहे होंगे, मेरा गेम बहुत स्मूथ चलता है। मतलब तभी मैं वीडियो बना रहा, HDR में खेलता था, HD एक्सट्रीम कलरफुल, एंटी अलियासिंग डिसेबल कर देना, शैडोज डिसेबल कर देना और ये ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स डिसेबल कर देना। और मेक श्योर करना कि आपका रिसोर्स पैक या कोई सा भी रिसोर्स पैक डाउनलोड ना हो, मैप्स में अभी डाउनलोड करना है मेरे को, मैंने रीसेट मारा था, तो या वैसे मैप्स में डाउनलोड मारूंगा भी नहीं अभी, क्योंकि मैं ये खेलता नहीं हूँ। तो या जो भी है, ये भाई की प्रोफाइल है, तो एक बार भाई की आईडी देख लो और जाओ जरा पहुंचाओ भाई को पॉपुलैरिटी टॉप पे। अरे यार अभी से एक वीडियो बना रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा भाई एकदम सेक्सी लौंडा, ठीक है, तो जाना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, एक्सेप्ट कर लूँगा मैं, वैसे तो बोलता हर टाइम यही हूँ, बट डिलीट डिलीट मार के कर लेंगे, चलो देखा जाएगा वो तो सब, बट एक बार आप ये टेस्ट करके देखना, इसके बाद इसको बंद कर देता हूँ मैं और सिस्टम अपना रीस्टार्ट मारना, देन यू आर रेडी टू गो, यू आर रेडी टू प्ले योर गेम विथ द बेस्ट ऑफ FPS पॉसिबल। और प्लीज़ मेक श्योर मेरे को कमेंट में बताना कि आपको क्या रिजल्ट मिले इससे, और लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना, शेयर करना जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और या बेसिकली इट दैट्स इट। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अगर मैं बनाऊंगा तो कोई भी प्रॉपर फिक्स लेके ही आऊंगा आपके लिए। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम लगा था, या सॉरी फॉर दैट, बट मैं चाह रहा था कि एक्चुअली मैं टेस्ट कर लूँ पहले, तो बहुत सारे ट्राई एंड टेस्ट करके ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आई होप आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, यू विल बी हैप्पी, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, स्टे आउट ऑफ ड्रग्स और हैव अ ग्रेट ईयर अहेड, एंड बाय बाय। Dreams of my own, have a working